दरअसल झूठ के बुनियाद पर केसीआर साहब ने सियासत चला रहे, उसी सियासत को अमल करते हुए झूठ की बुनियाद पर हुकूमत चलाते हुए आखिरी में कोविड में जितने लोग भी मर गए उनका मौतों का संख्या भी झूठ करते हुए कम बताते हुए एक तरफ केंद्र सरकार को मिसलीड किया है, दूसरी तरह जो है सो पूरे आवाम को भी गुमराह किया है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम कर रहे हैं। हमारी डेटा एनालिसिस ये बोलते हैं कि 1,13,500 करीब करीब लोग जो है सो जून 30, 2021 तक मर गए हैं तेलंगाना में, मगर तेलंगाना हुकूमत बता रही है कि सिर्फ ये 3,700 लोग जो है सो मर गए बोल के तेलंगाना हुकूमत बता रहे। कहां 1,13,000, कहां 3,700 लोग बोल के कांग्रेस पार्टी पूछ रहे। इसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है? कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के वजह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अगर जितने भी देश भर में कोविड के वजह से मर गए हैं उन लोगों को अगर कंपनसेशन दे दिया जाता है तो तेलंगाना में 1,13,000 लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा जिन लोग मर गए, सिर्फ 3,700 जो केसीआर साहब ने रिकॉग्नाइज किया उन लोगों को ही मिलेगा। दरअसल ये नाइंसाफी है। ये गवर्नमेंट एक तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिए हैं ठीक तरीके से, बेड्स ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं किए, ट्रीटमेंट ठीक तरीके से अवेलेबल नहीं किए, लोग मर रहे तो उन लोग जो है सो देखते बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार ने जब कंपनसेशन देने के लिए सामने आते हैं उस दौरान भी कम बताते हुए, मृत्युओं का संख्या कम बताते हुए जो है सो इन लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो कांग्रेस पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखी है। ये खत में जो है सो एक डेथ रिपोर्ट्स का ऑडिट कमेटी को एक अपॉइंट करना, वो कमेटी जो है सो पूरे हॉस्पिटलों में जितने भी कोविड की वजह से मर गए हैं उन सब लोगों का रिपोर्ट्स को इंक्वायर करते हुए ये जो गलत आंकड़े जो हुकूमत ने बताया उसको सही करना बोल के हमारे तरफ से मांगा।